हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी। आप समझ ही गए हैं, सामने आ खड़ी है आपके। तो ये है भाई MG की कॉमेट इलेक्ट्रिक कार। बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन है इसका, बहुत अमेजिंग कार है और काफ़ी अच्छे रेट में। रेट तो आप डिसाइड करेंगे, आप बताएंगे कैसा आपको रेट लगा और कैसी गाड़ी लगी। तो भाई सबसे पहले तो वीडियो देखने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो भाई इसकी चाबी देखो यार, की मतलब की तो इसकी अमेजिंग है। मैंने आज तक ऐसी की किसी की नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी होगी आई एम श्योर। और कमेंट में करके बताएं कि आपको इसकी की कैसी लगी। तो चलिए इसकी लुक से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको सामने से देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हो पूरी कनेक्टिंग LED लाइट है आगे जो लास्ट तक है यार, बहुत अमेजिंग ये LED लाइट दे रखी है। और नीचे ये आपको कैमरा भी दे दिया जाता है इसमें। और ये आपको जो MG का लोगो दिख रहा है बड़ा सा, इसमें आप पीछे यहाँ पर आपको चार्जिंग करने का स्पॉट दे रखा है, तो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो। और सामने देखो MG का लोगो दे रखा है क्रोम में और ब्लैक में। नीचे से कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है गाड़ी, बहुत अमेजिंग कार है। मैंने ये चलाई है, चलाने में तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत स्मूथ कार है। चलाने वाली वीडियो में आपको अगली जो वीडियो आएगी वो चलाने वाली ही आएगी, उसमें लोगों के रिएक्शंस भी दिखाऊंगा। अभी इसकी लुक से बात करते हैं। तो देखिए लॉक अनलॉक करने पे आपको सामने कुछ इस तरीके से इसकी लुक दिखाई देती है। पूरा LED सेटअप दे रखा है हेडलाइट का, ये देखिए बहुत ही वाइट लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी LED में। और नीचे इंडिकेटर भी आपको LED में देखने को मिलेगा। जब ये जलती है तो बहुत अमेजिंग लगती है, बहुत प्यारी लगती है। आप ये देखिए ऊपर जो कनेक्टिंग LED है, ये भी मतलब कितनी अमेजिंग लगती है। इसमें भी वाइट लाइट दे रखी हैं आपको, तो एक बहुत ही अमेजिंग लुक है। सामने से आप ये देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब ये साइड से इसकी लुक देखो, साइड से तो यार ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब MG ने क्या बनाया है भाई, बहुत अमेजिंग गाड़ी बनाई है। ये देख रहे हो बहुत ही प्यारी। और ये हमें देखो ये स्टिकर वगैरह लग के हमें ये गाड़ी मिली है, तो बहुत ये स्टिकर भी मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं यार। ये देखना मतलब कितनी छोटी सी गाड़ी है। मेरे ख्याल से तो यार ये नैनो से भी छोटी है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि नैनो ज़्यादा बड़ी है यार ये, क्योंकि नैनो तो मैं कभी नैनो में बैठा नहीं हूँ, आप लोग मुझे बताएं। ये देखिए मतलब अब नीचे से बात करते हैं टायर से, तो टायर साइज़ भाई ये है इसमें, ये इस तरीके से आपको प्लेट्स मिलेंगी, कोई एलॉय नहीं मिलते। और साइज़ इसमें 145/70R12, तो भाई 12 इंच के आपको ये व्हील्स मिल जाते हैं। और कनेक्टिंग लाइट्स के बाद ये आप देख रहे हो क्रोम की गार्निश दे दी है, वो भी आगे तक है पूरी, मतलब कनेक्टिंग गार्निश दे रखी है, मतलब बीच में रोका नहीं है, मतलब पूरा खर्चा करा है। ORVM आप देख रहे हो, ये कोई ऑटो फोल्डेड नहीं है यार, ORVM आपको ऐसी मिलेंगे ग्लॉसी ब्लैक कलर में, जो बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। आगे का मिरर देखो, मिरर मतलब कितना वाइड मिरर दे रखा है। और ऐसा नहीं है मतलब ये देखने से ऐसा लगता है कि 2-सीटर है, भाई 2-सीटर नहीं है ये, 4-सीटर है। पीछे भी इसमें सीट है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक की भाई बैजिंग मिल जाती है। और पीछे भी आपको एक मिरर दे रखा है विंडो की तरह का। तो कुछ इस तरीके से ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक में इसकी रूफ देखने को मिलेगी। और पीछे से रियर व्यू देखिए, इसका रियर लुक भी बहुत ही अमेजिंग है इस गाइस इसकी। ये देखिए मतलब बहुत ही शानदार बना रखी है यार। ये नीचे आपको देखो बम्पर पर भी मतलब पार्किंग सेंसर्स दे रखे हैं। नीचे भी आपको LED ब्रेक लाइट दे रखी है, बहुत अमेजिंग दे रखी है भाई। ये देखो LED ब्रेक लाइट दे रखी है, 2 रिफ्लेक्टर दे दिए हैं आपको बम्पर पर। और ये टेल लाइट देखो, पीछे की टेल लाइट भी बहुत अमेजिंग है, सुंदर दे रखी है, बहुत अमेजिंग लगती है इसकी। EV की आपको ये बैजिंग दे रखी है यहाँ पर, ये आपको कॉमेट की बैजिंग मिल गई और MG का लोगो मिल गया। और पीछे भी आपको पार्किंग सेंस वो कैमरा मिल गया यार। इसमें इंटरनेट भी है भाई, आपको इंटरनेट भी दे रखा है। और ये देखो पीछे भी कनेक्टिंग लाइट दे रखी है, ब्रेक लाइट, जब आप ब्रेक दबाओगे तो ये आपकी पूरी लाइट जलेगी। तो पूरा खर्चा कर रखा है, मतलब MG ने इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करी। और ऊपर देखो, ऊपर आपको ये हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल गया और स्पॉइलर भी दे रखा है, तो स्पॉइलर भी है इसमें, तो हर चीज़ से लैस है, किसी चीज़ की आपको इसमें कोई कमी नहीं है। और अंदर से जब मैं आपको दिखाऊंगा तो भाई आप भी बोलोगे अंदर से बहुत लग्जरी है, ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ही अमेजिंग कार में। ये देखो क्रोम का इसमें हैंडल दे रखा है, लॉक खोला, ये क्रोम का हैंडल भी बहुत अमेजिंग है इसका। अब ये देखो भाई इसका डोर देखो, डोर की फिनिशिंग देखो इसके इंटीरियर की, मतलब लग रहा होगा आपकी यहाँ कुछ चीज़ है भाई। ये देखो, और ये पूरा का पूरा सॉफ्ट टच में ये कुछ इस पर कपड़ा सा लगा रखा है, जो बहुत अमेजिंग लगता है। ये आपको ऊपर इसमें स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, ट्यूटर्स मिल जाते हैं। और ये देखो बहुत ही अमेजिंग ये आपको हैंडल दे रखा है, नीचे आपको इसमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है, बॉटल होल्डर भी मिल जाता है इसमें आपको, नीचे आपको ये मिल गया स्पीकर। तो और ये देखो मतलब
बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत ही प्यारी फिनिश दे रखी है। अंदर से इसका इंटीरियर देखो, ये देखना यार। थीम भी बहुत ही तगड़ा है, मतलब वाइट थीम इसमें दे रखा है, वाइट। और मतलब ये देख रहे हो आप, इसको आप मतलब ये आपको ये दे रखा है सीट एडजस्टिंग का। इसे आप उठाओगे तो भाई ये सीट आगे फोल्ड हो जाएगी और आपको घुसना भी इधर से ही है, क्योंकि पीछे कोई गेट नहीं है इसमें, तो पीछे कोई डोर नहीं मिलेगा। चलिए एक बार बैठ के आपको अंदर से पूरा इंटीरियर दिखा देता हूँ। पीछे सीट को करता हूँ पीछे, तो अब भाई रिलैक्स होके आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से यार दिखता है, मतलब आप देख रहे हो, मतलब बिलीव हो रहा है आपको कि मतलब आप किसी छोटी सी इलेक्ट्रिक कार में बैठे हो। भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी गाड़ी है, अंदर से भी आप मतलब यकीन नहीं करोगे, इतना स्मूथ इसका हैंडल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आप उंगलियों पर इस गाड़ी को चला सकते हो। MG का लोगो दे दिया है भाई आपको प्यारा सा, और दोनों साइड आपको ये देखो कंट्रोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स दे रखे हैं, और ये देखो दोनों साइड आपको कंट्रोल मिल गए। और स्क्रीन देखना, स्क्रीन इसकी बहुत ही बड़ी स्क्रीन है। आगे आपको सारा इसमें जो भी सिस्टम है सारा स्क्रीन पर ही ये मिल जाएगा, सारी टच स्क्रीन है ये आपको, तो सारा का सारा सिस्टम आपको स्क्रीन पर मिल जाता है। और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। अभी मैं आपको इसके फीचर्स भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको ये मिल गया इसके वाइपर्स वगैरह का सिस्टम, यहाँ पर आपको लाइट्स हाई बीम लो बीम का मिल जाता है। AC वेंट्स देखो, AC वेंट्स बहुत ही प्यारे हैं, छोटे से और बहुत ही अमेजिंग दे रखे हैं यार। नीचे आपको यहाँ पर आपको इसका ORVM कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो इसको। एयरबैग मिल जाते हैं भाई आपको इसमें, हैंडल पे एयरबैग भी मिल जाता है, तो सेफ्टी फीचर्स भी आपको इसमें, दो एयरबैग भी मिल जाएंगे। AC वेंट मिल गए यहाँ पर आपको, और AC वेंट के चारों तरफ आप देख रहे हो भाई किस तरीके से क्रोम का इस्तेमाल कर रखा है। नीचे आपको मिल गए AC कंट्रोल्स, तो वो आपको ग्लॉसी ब्लैक में दे रखे हैं और प्लस क्रोम में, तो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच दे रखा है, कपड़ा सा लगा रखा है, जो बहुत ही अमेजिंग है। AC वेंट हो गया, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह मिल गई जो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। आगे आप मिल गया आपको डैशबोर्ड पूरा नीट एंड क्लीन, बिल्कुल एकदम डन गाड़ी है यार। यहाँ मिल गया आपको वैनिटी मिरर, दूसरी साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है यार। मतलब आप समझ रहे हो ना कि मतलब जो दूसरी गाड़ियों में फीचर्स है वही इसमें। यहाँ पर देखो मतलब व्हाइट लाइट्स दे रखे हैं, डोर लाइट वगैरह और सब दे रखे। पार्किंग ये देखो, पार्किंग के आपको ऊपर बटन दे रखा है, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। फीचर्स थोड़े अलग है, ये देखो ये इसका गियर है भाई, ये गियर कंट्रोल है। इसमें ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स, बैक जो भी है ये सब इसमें आपको मिल जाएगा। बड़ा प्यारा सा दे रखा है ना, जैसे जैगुआर वगैरह में आता है उस टाइप का दे दिया। और यहाँ आपको ये विंडो कंट्रोल मिल गए, और आप बटन्स के मतलब कलर देख रहे हो, बहुत ही अमेजिंग कलर दे रखे, सिल्वर कलर दे रखा है। और जो मतलब आपने देखा है मर्सिडीज़ वगैरह में इस टाइप में ये बटन्स मिलते हैं, जो इसमें दे रखे हैं। तो एक्चुअली में गाड़ी में बहुत ही अच्छा पैसा खर्चा करा है, बहुत अमेजिंग गाड़ी बनाई है लोगों के लिए। सामने का डोर भी आप देख रहे हो उसी तरीके का सेम बना रखा है जैसा आपको साइड में मिलता है। यहाँ पर भाई देखो ये हैंडल्स दे रखे हैं, इस पर लिख भी रहा है कि मैक्सिमम 0.5 kg 5 kg की, मतलब आप इतना सामान टांग भी सकते हो। और ये आपको नीचे केबल लगाने को मिल जाते हैं जिससे आप चार्जिंग कर लो। और देखो ऊपर इसमें मिरर में भी IRVM में भी उसका USB का पोर्ट दे रखा है कि आप मतलब यहाँ से भी फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और ये आपको पीछे भी, ये देखो लोगों को लग रहा था कि सिर्फ आगे ही इसमें सीट है, तो भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 सीटर नहीं है, 4 सीटर है, पीछे भी इसमें सीट है। थोड़ा आगे करके मैं सीट को आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आराम से दो बंदे रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, और सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये देखो मैं पीछे जाके बैठा था, लेकिन पीछे की मैं वीडियो बना नहीं पाया प्रॉपर, तो इस तरीके से भाई ये आपको सीटिंग मिल जाएगी। बहुत अमेजिंग गाड़ी है यार, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कार है। और ये देखो इसमें जो ये स्टिकर लग रहे हैं ना, ये स्टिकर इस गाड़ी में 4 चांद लगा रहे हैं। तो भाई इस गाड़ी के लिए लाइक ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। थैंक यू।